कि राम नाम सत्य है तो फिर किसी भी शुभ कार्य में क्यों नहीं बोला जाता? बड़ा अच्छा सवाल पूछा बेटे आपने। देखिए, मुझे ये सवाल सुन के अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब हम दयाल सिंह कॉलेज में बीए के छात्र थे। वहाँ एक हिंदी परिषद थी, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर संत उसके अध्यक्ष होते थे। एक बार हमने अपने एनुअल फंक्शन में बुलाया हरिवंश राय बच्चन जी को, जो अमिताभ बच्चन के पापा हैं। वो आए, कार्यक्रम समापन की ओर था, तो मैंने उनका धन्यवाद करते हुए ये बोल दिया कि अब हम अपने छात्र संघ की ओर से, अपने गुरु वृंद की ओर से, समस्त विद्यार्थी परिषद की ओर से, अपने आज के मुख्य अतिथि जी के प्रति सम्मान के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं क्या बोला कि सारे लड़कों ने हूटिंग शुरू कर दी। टीचर भी सारे कुछ असमंजस में पड़ गए, कुछ हंसने लगे, कुछ इधर उधर झांकने लगे। मैं भी बड़ी असहज स्थिति में आ गया। तो अमिताभ बच्चन की महानता देखिए, उनके पिताजी की, हरिवंश राय बच्चन की, वो उठकर आए मंच पर और कहने लगे कि भाई आपके इस तरीके से शोर करने का मैं अभिप्राय भली भांति जान गया हूँ। आप श्रद्धांजलि शब्द को लेकर जो आपके मन में शंकाएं हैं उससे ये माहौल बना है। देखिए, कुछ शब्द रूढ़ होते हैं। रूढ़ होते हैं मतलब वो उसके अर्थ उसके साथ चिपक जाते हैं, उससे इतर इतर आप बोल ही नहीं सकते। ऐसे ये श्रद्धांजलि शब्द है। अरे भैया, श्रद्धा तो आदमी जो जीवित है उसके प्रति अगर व्यक्त की जाती तो उसको पता चल रहा है मेरे प्रति श्रद्धा व्यक्त की जा रही है, मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा। मरे हुए के प्रति आप श्रद्धा व्यक्त करें या जूते मारे उसको क्या पता चलता है। ऐसी एक शब्द है राम नाम सत्य है, वो रूढ़ हो गया कि जब आप उसको किसी मुर्दे को लेकर के चलोगे तो बोलोगे राम नाम सत्य है। वो कहते हैं कि अगर वाकई राम नाम सत्य है तो आप किसी के जन्मदिन पर बोल के देखो ना, किसी की शादी के मौके पर बोल कर देखो कि लोग आपका सिर रंग देंगे जूते मार मार के। तो राम नाम सत्य है वो एक मुर्दे के साथ जाने के लिए टाइप्ड हो गया, इससे ज़्यादा उसकी कोई और सच्चाई है नहीं, कोई सत्यता है नहीं। वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने राम के अस्तित्व को स्वीकारा नहीं है और उसको नकारा है, और जिस आधार पर उन्होंने नकारा है उसका उत्तर इनके पास किसी के नहीं है। हाँ, जब ये उत्तर नहीं दे पाते हैं किसी बात का तो मरने मारने पर उतर आते हैं और दूसरे को राष्ट्रविरोधी और देशद्रोही कहने लगते हैं। तो ये इनका असली मकसद है। राम एक सच्चाई हो नहीं सकता। राम तो हमारे अस्तित्व का दुश्मन था। शंभुक ऋषि की जो कथा वाल्मीकि रामायण में आई है, सुंदरकांड में, कोई भी उसको पढ़ सकता है। उसमें वो शंभुक का कसूर क्या था? शंभुक का कसूर ये था कि वो अपने समाज को संगठित कर रहा था। वो एक तरह की तपस्या थी, क्योंकि ये लोग करने नहीं देते थे और उनके षड्यंत्रों को नाकाम करके अपने लोगों को पढ़ाने का काम करना ये कोई बुरी बात नहीं थी। बस ब्राह्मण को यही बुरा लग गया। ब्राह्मण ने जाकर के रामचंद्र जी को भड़काया, रामचंद्र जी भड़काने में आ गए और आकर के हमारे शंभुक ऋषि के पास जब वो आए हैं तो वो पेड़ पर सिर नीचे और टांग ऊपर करके लटके हुए तपस्या कर रहे थे, यानी कि जो व्यवस्था थी उसके उलट चल रहे थे, उसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं। तो ऐसे शंभुक ऋषि की भगवान राम ने अपने हाथ से तलवार मारकर उसकी गर्दन काट दी, और गर्दन काट दी इतना ही नहीं हुआ, देवता इतने प्रसन्न हुए, आकाश में से पुष्प वर्षा की उन्होंने, यानी कि सारे देवता, यानी कि सब ब्राह्मण, देव का मतलब ब्राह्मण होता है, वो इतने प्रसन्न हुए कि रामचंद्र को हमारा कत्ल करने पर, हमारे बाप का कत्ल करने पर वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो राम कैसे सत्य हो सकता है, या हमारे लिए कैसे श्रद्धा का आधार हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये कहना कि राम नाम सत्य है, चाहे मुर्दे के साथ कहो चाहे उससे अलग कहो, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। हमारे लिए तो राम नाम झूठ है और झूठ ही रहेगा। सदियों से हम देखते आए हैं राम का, जब कहते हैं ना राम रहा जाएगा, ये राम रहा जाएगा ना, हर चौक पर हमें पीटा जा रहा है, कहीं गौ के बहाने से, कहीं डायन बता दिया हमारी महिला को, उसको जला दिया, मार दिया, कहीं हमारे आदमी को मारना है तो उसे चोर बता दिया, किसी ने झूठ बोला इसने चोरी कर ली उसको सचमुच में मार दिया। ये सब षड्यंत्र हमारा अस्तित्व समाप्त करने के लिए चल रहे हैं, पर ये इसमें सफल होंगे नहीं। हर जुल्म का अंत होता है, हर जुल्म की एक संध्या होती है, हर जुल्म का अवसान होता है। इसका भी अवसान होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। देखते रहो बच्चों, आने वाले समय में इनकी सारी कलई खुलने वाली है। तो राम नाम सत्य नहीं होता,
राम नाम सत्य होता तो उसको कहने की जरूरत ना पड़ती। सत्य तो अपने आप प्रकट होता है। कोई गुलाब कहता है कि मैं गुलाब हूँ, मैं खुशबू छोड़ता हूँ ना, अपने आप खुशबू नाक तक आती है। कोई गोबर कहता है कि मैं गोबर हूँ, मैं ख़राब हूँ, मुझमें से बदबू आती है, उसकी बदबू अपने आप हमारे नाक तक आती है और हम कह देते हैं ये घृणित चीज़ है। इसलिए राम में अगर कोई जान होती तो आज भी राम के विरोधी दुनिया में ना होते। ये बात इनको समझनी चाहिए, अच्छी तरह समझनी चाहिए। और राम नाम